बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे अपने गृह राज्य महाराष्ट्र में 5 साल की प्रतिनियुक्ति के बाद वापस बिहार लौट रहे हैं। लांडे वर्तमान में मुंबई अपराध शाखा में संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद पर तैनात हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में बिहार में उनके कार्यभार संभालने की उम्मीद है। लांडे का ट्रैक रिकॉर्ड बिहार में इतना प्रभावशाली था कि हर कोई, खासकर नीतीश कुमार, उन्हें राज्य में वापस चाहते थे। पटना की सिटी एसपी के रूप में अपने 8 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई मामलों का पर्दाफाश किया था, जिसमें नकली नोट, ड्रग रैकेट, नकली कॉस्मेटिक सिंडिकेट आदि शामिल हैं। अशोक राजपथ में रंगदारी के आरोप में एक बड़े कपड़ा व्यापारी की हत्या कर दी गई थी। डर के मारे अधिकांश कारोबारियों ने अपनी दुकानें बंद कर ली थी, लेकिन लांडे ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और पटना मेडिकल एंड हॉस्पिटल के सामने उसकी पिटाई कर दी। उनकी त्वरित कार्रवाई ने दुकान मालिकों का हौसला बढ़ाया, जिसके बाद उन्होंने अपनी दुकानें फिर से खोल दी। वहीं रोहतास के एसपी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में रेत माफियाओं की गतिविधियों को रोकने में कामयाब रहे। उन्हें अररिया जिले के एसपी के रूप में भी तैनात किया गया था। बता दें, बिहार कैडर के 2006 बैच के आईपीएस शिवदीप लांडे ने मुंगेर जिले से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। उनकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और मानवता को यहाँ के लोग आज भी नहीं भूले हैं। अपनी अनोखी कार्यशैली के चलते शिवदीप पूरे देश में मशहूर हैं। वाकया किशनगंज का बताएं तो यहाँ उन्होंने रोड सेफ्टी को लेकर ऐसा अभियान चलाया कि किशनगंज में हेलमेट की बिक्री तेज हो गई। दरअसल जिले का अतिरिक्त प्रभार शिवदीप को दिया गया था। उसके बाद उन्होंने जिले के मुख्य बाजार, चौक चौराहों और मार्ग पर विशेष अभियान चलाया। अपने अभियान के दौरान वे बिना हेलमेट के गुजरने वाले वाहन चालकों को पकड़ना शुरू कर दिए। ऐसे लोगों पर जुर्माना नहीं, उनसे कान पकड़कर उठक बैठक करवानी शुरू कर दी। फिर क्या था, लोग समझ गए कि उठक बैठक से बचना है तो सिर पर हेलमेट होना चाहिए। यहाँ ये भी बता दें कि बाइक चालक कितनी भी स्पीड में क्यों ना हो, शिवदीप लांडे उनके सामने निडरता से खड़े हो जाते थे। एक और वाकया में बिहार के सहरसा जिले में संतोष यादव नाम का कुख्यात का आतंक था। डॉक्टरों पर अत्याचार करने वाला संतोष पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। लिहाजा शिवदीप लांडे के नेतृत्व में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की और संतोष को धर दबोचा गया, जिसके बाद सहरसा में डॉक्टरों के लिए शिवदीप सुपर कॉप बन गए। नेपाल से सटे सीमावर्ती जिले अररिया में बतौर एसपी शिवदीप लांडे वहां की जनता के मन में बस गए। वहां एक गांव में हत्या के बाद वे खुद मौकाए वारदात पर पड़ताल करने लगे, जिसके बाद वे सुराग का पीछा करते करते हत्यारे के घर जा पहुंचे और बड़ी आसानी से उन्होंने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। यही नहीं, अररिया में हुए एक बड़ी बैंक डकैती का उद्भेदन भी शिवदीप लांडे ने अपनी बेहतरीन कार्यशैली से कर दिया। लड़कियों की सुरक्षा के लिए लांडे ने बेहतरीन कदम उठाए। वे किसी भी प्रकार की समस्या को झट से सुलझाने के लिए जाने जाते रहे। मंचलों पर लगाम लगाने के लिए पटना में उन्होंने स्कूल कॉलेज के बाहर ऐसी सुरक्षा बढ़ाई कि लड़कियां उनकी फैन हो गई। कहा जाता है कि लड़कियों के पास इनका निजी नंबर तक था। एक फोन कॉल में शिवदीप खुद मौके पर पहुंचकर लफंगों को सबक सिखाया करते थे। अवैध खनन माफियाओं पर शिवदीप हमेशा हावी रहे। रोहतास में सेवा देने के दौरान एक बार मुठभेड़ हो गई। 30 राउंड फायरिंग के बाद शिवदीप ने खुद जेसीबी मशीन संभाली और उसे चलाते हुए अवैध खनन के सारे अड्डों को तहस नहस कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस कार्रवाई में 500 लोग गिरफ्तार हुए थे। 2015 के शुरुआती माह में जनवरी में पटना में तैनात शिवदीप लांडे ने कुछ ऐसा किया जिसके लिए वे सबसे ज्यादा मशहूर हुए। डाक बंगला चौराहे पर उन्होंने फिल्मी स्टाइल में घूस मांग रहे इंस्पेक्टर को पकड़ लिया। इस दौरान उन्होंने दुपट्टा ओढ़ रखा था। इंस्पेक्टर यूपी के सर्वचंद यादव पर पटना के दो व्यापारी भाइयों ने आरोप लगाया था कि वो एक पुराने केस को खत्म करने के लिए पैसों की डिमांड कर रहे हैं। दोनों भाइयों ने शिवदीप से गुहार लगाई और फिर ये कार्रवाई की गई। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता ऐसी रही कि जब बिहार के पुलिस महानिदेशक ने शिवदीप लांडे का ट्रांसफर पटना सिटी एसपी से पुलिस हेडक्वार्टर में कर दिया था, तो इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए थे। लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला था। इतना ही नहीं, उनके ट्रांसफर की खबर से कई लोगों को रोते हुए भी देखा गया था। और अब सिंघम 5 साल के बाद पुनः बिहार आ रहे हैं। बिहार आने के बाद मुंगेर या भागलपुर की डीआईजी बनाने की चर्चा जोरों पर है।